नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागिंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 28 फरवरी 2024 बुधवार का दिन है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष आज चतुर्थी तिथि, नक्षत्र आज चित्रा, अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:59 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 6:09 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहने वाली है शाम 6:40 तक कन्या राशि में रहेंगे, इसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज का अशुभ काल का समय रहेगा तकरीबन दोपहर 2:01 से लेकर शाम 3:55 तक रहेगा। इस अशुभ काल में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें, नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की और ये प्रश्न चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि को आज इनकम बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, नौकरी में बदलाव की स्थिति रहेगी मिथुन राशि को और आज उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करेंगे तो सफलताएं मिलेंगी। जमीन प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद चल रहा था कोर्ट कचहरी में, उसमें विजय प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी, फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, पुराने कामकाज को निपटा पाएंगे मिथुन राशि को आज। घर परिवार में भी जो अनसुलझे मुद्दे थे उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे, भाई बहनों का साथ मिलेगा, बड़े भाई बहनों के अंडर में अगर काम करते हैं तो आज आपको धन की प्राप्ति होगी, पिता के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, आज घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य होंगे, माता के सेहत में सुधार होगा और पिता के द्वारा धन लाभ की प्राप्ति होगी। आज आपकी यात्रा हो सकती है दूरदराज की यात्रा, इसलिए यात्रा करते समय सावधानी बरतें, हल्की फुल्की चोट चपेट भी लग सकती है, सेहत पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। घर परिवार में किसी भी सदस्य के सेहत पर थोड़ा बुरा असर देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज आपका यानी कि कारोबार विशेष तौर पर अच्छा चलेगा, कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी, शेयर मार्केट से विशेष धन लाभ की प्राप्ति होगी, लॉटरी सट्टा से लाभ होगा, इनकम की बढ़ोतरी होगी, नई जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ये फिर बेचने का प्लान कर सकते हैं, गाड़ी वाहन खरीदने का भी मन बना सकते हैं, घर में कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, चाहे संतान को लेकर हो या फिर जो अविवाहित जातक है उनके विवाह को लेकर हो, और आज घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होंगे, साथ ही कोई धार्मिक कार्य होगा, वैवाहिक जीवन में बनते नजर आएंगे, जिनका विवाह तय है, जिनका विवाह अभी तक तय नहीं है उनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आएगा, तो घर में खुशियां रहेंगी, धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे, माता पिता के साथ साथ पति पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी का सहयोग, दाम्पत्य जीवन में खुशी आएगी, संतान को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, संतान के पक्ष से कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, कोई ऑफर प्राप्त हो सकता है, सरकारी कामकाज में अगर आपके पत्नी करते हैं या फिर पति करते हैं तो उसमें भी तरक्की प्राप्त होगी। आज आपको अपने जीवन साथी से कदम मिलाकर चलना होगा, आपसी मतभेद आपसी मनमुटाव को दूर करना होगा, गिले शिकवे जो होंगे दूर होंगे, साथ ही प्रेम जीवन में खुशियां लव लाइफ अच्छी रहेगी, लव पार्टनर को आज कुछ गिफ्ट उपहार दे सकते हैं, उनके साथ घूमने फिरने का मन बना सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ उनकी मनपसंद चीज़ें खरीद सकते हैं जिससे धन खर्चों में वृद्धि होगी, थोड़ा ध्यान रखेगा, ज़्यादा खर्च ना करें, बेवजह खर्चों से बचें, जमीन प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई पर आज आपका फोकस बना रहेगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि इसमें आपको अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी के बहकावे में अगर कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, आज ज़्यादा पैसे कहीं पर न लगाएं, पुराने अगर आपने कहीं पर लगा रखा है तो जरूर लाभ हो सकता है, नए सिरे से किसी को उधार कर्जा न दें, किसी के बहकावे में अगर कहीं पर भी ना जाएं और किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा न करें, अजनबी व्यक्तियों पर भरोसा न करें, जो जिम्मेदारियाँ हैं स्वयं उठाएं, स्वयं धन में खर्च करें। आज आपका शुभ रंग रहेगा बैगनी कलर, भाग सात निवारा तकरीबन 85% और शुभ अंक रहेगा आज आपका 4 यानी कि 4। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव।